अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सीएम पद की शपथ ले ली है, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के 26वें मुख्यमंत्री बन गए हैं और इसी कड़ी को लेकर पीएम मोदी ने अमरिंदर सिंह को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद मुबारकबाद दी। मोदी ने अमरिंदर को राज्य का विकास करने के लिए शुभकामनाएं दी। मोदी ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर बधाई कैप्टन अमरिंदर, पंजाब के विकास के लिए काम करने के लिए आपको शुभकामनाएं। पंजाब में विधानसभा में कांग्रेस की जबरदस्त जीत की अगुवाई करने वाले अमरिंदर सिंह की तरफ से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ वक्त बाद पीएम ने अमरिंदर सिंह को ट्वीट कर ये बधाई दी। पीएम ने ट्वीट के जरिए अमरिंदर सिंह को बधाई दी है, साथ ही पंजाब के विकास के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं पीएम मोदी ने इससे पहले पंजाब में चुनाव जीतने पर भी अमरिंदर सिंह को फोन करके बधाई दी थी। अमरिंदर सिंह ने आज 26वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। अमरिंदर सिंह के साथ 9 मंत्रियों ने भी मंत्रिमंडल सदस्य पद की शपथ ली। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह नेतृत्व में कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस को शानदार जीत मिली थी। कांग्रेस के विधानसभा में 77 विधायक हैं। नियम के मुताबिक पंजाब में अधिकतम 18 मंत्री बनाए जा सकते हैं। शपथ समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। वहीं आपको बता दें, पीएम ने इससे पहले कांग्रेस की पंजाब में जीत को लेकर भी अमरिंदर सिंह को बधाई दी थी और अब सीएम पद के लिए बधाई दी है। गौरतलब है कि पंजाब में कांग्रेस ने 117 सीटों में से 77 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसके बाद अब पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और इसी को लेकर आज अमरिंदर को सीएम बनाया गया, साथ ही पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषभ के साथ मैं पूनम पनौरिया, JK24।